और दही यदि आप भी बाजार से एक साथ खरीद कर लाते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा दूध और दही एक साथ दुकान से खरीदते हैं और एक ही थैली में डालकर घर तक ले आते हैं। तो क्या कारण है? दूध और दही को कभी भी एकत्र नहीं रखना चाहिए और ना ही एक साथ खरीदना चाहिए। कारण क्या है आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, दूध जहाँ लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी का प्रतीक है, वहीं दही दरिद्रता का प्रतीक है, कुलक्ष्मी का प्रतीक है, अलक्ष्मी का प्रतीक है। और जब भी आप दूध दही एकत्र घर में लाते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। आप लक्ष्मी के साथ साथ दरिद्रता को भी घर में ले आते हैं। तो कभी भी भूल कर भी दूध और दही एक ही जगह, एक ही दुकान से खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए, और दूध दही तो कभी भी एक साथ खरीदना ही नहीं चाहिए। आप दूध लेने गए हैं तो दूध ही लीजिए, दही लेने गए हैं तो दही ही लेकर आइए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमेशा सुखी रहेंगे और संपन्न रहेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें जरूर हैं, बड़ी अजीब सी लगती होंगी सुनने में, हो सकता है आपको अंधविश्वास भी लगता हो, लेकिन यही कारण हमारी मुसीबत और परेशानी का होता है। क्योंकि जहाँ हम इन बातों को समझने में परे हो जाते हैं या बातों को समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों ऐसा, आखिर क्यों ऐसा, तो उसका शास्त्रीय कारण भी है कि दूध और दही कभी भी एक साथ एक ही थैली में रखकर नहीं लाने चाहिए, और संभव हो सके तो दूध सिर्फ दूध ही खरीदें, और या दही खरीदने गए तो सिर्फ दही ही घर लेकर आए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।